यहाँ बहुत कुछ संभव कर दिखाया है हेमंत सरकार ने। आपने देखा होगा कहीं उनका नाम हेमंत सोरेन है, कहीं हेमंत कुमार सोरेन है, कहीं पिताजी का नाम शिव सोरेन है, कहीं शिवू सोरेन है। तो ये एक ही चीज नहीं हुआ है, उम्री नहीं बढ़े हैं उनका, चार ठो एड्रेस है, कहीं कुछ भी आधार में कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, एक रजिस्ट्री में कुछ है, दूसरे रजिस्ट्री में कुछ है। तो यहाँ जितना भी असंभव कार्य है उस सब को संभव करके दिखाया है हेमंत सोरेन जी ने। एक ही केवल नहीं किया, वो विकास कार्य नहीं किया, तो आप समझ सकते हैं। इसलिए ये तो उम्र दो चार साल उम्र को इधर उधर करना तो बाएं हाथ का खेल है उनके लिए। सवाल खड़े हो रहे हैं, निश्चित तौर पर संवैधानिक रूप से जो गलत है वो गलत है, और ये आचार संहिता का समय है एक राजनीतिक दल के नाते। तो हम इसका मांग कर सकते हैं कि चुनाव आयोग इसको संज्ञान में ले, पार्टी ने इस विषय को रखा भी है, और जो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए विधि सम्मत उस पर कार्रवाई चुनाव आयोग तय करे। चेयरमैन का लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, क्योंकि पिछले बार अगर देखा जाए तो उन्होंने 42 वर्ष उम्र भरा था, 49 साल हो गए, इसके बाद भी सही बता। तो इसमें तो सवाल उठा है, तो इसमें क्या है, चुनाव आयोग को तय करना है। सवाल जब उठता है अगर सही होगा तो इसमें हम लोग कहाँ से, इसमें कहीं कुछ है। प्रश्न आया है अगर तो उसको जवाब दे देते हैं तो ठीक है, तय तो चुनाव आयोग को करना है, कोई भारतीय जनता पार्टी को तो करना नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो दिखता है वो हमने किया है, नॉमिनेशन रद्द करने के बाद मांग उठी। स्वाभाविक रूप से यदि नियम है और कागजात गलत होते हैं तो नॉमिनेशन रद्द होते हैं, ये कोई एक के लिए नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट गलत करेगा, उन लोगों ने भी हमारे कैंडिडेट के लिए मांग किया है, तो ये तो चुनावी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है। उनको जहां गलत लगता है वो उस पर विरोध दर्ज करते हैं, हमको जहां लगा है हम विरोध दर्ज करते हैं। तय चुनाव आयोग को करना है, कोई भारतीय जनता पार्टी को डिसीजन नहीं देना है। और चुनाव आयोग अगर इस पर निर्णय लेता है कि वो सही है, चुनाव आयोग का निर्णय सही माना जाएगा। दे दिया गया है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, अब चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम करेगा। नॉमिनेशन को रद्द करने की बात कही जाएगी वो तो चुनाव आयोग ने समझेगा, हम लोग नहीं ना उसके बारे में कुछ बोल सकते हैं, कौन सही है कौन गलत है। क्या होता है कि 5 वर्षों में 7 साल उम्र बढ़ना झारखंड की राजनीति में संभव दिखता है। ये सारे चीजों को चुनाव आयोग देख रहा है, चुनाव आयोग ही इसका फैसला ले सकता है। महागठबंधन क्या करेगी, महागठबंधन क्या करेगी इसमें, महागठबंधन का क्या रोल है। आपने आवेदन दिया जो वोटर लिस्ट में रहता है, लोग उसी को नामांकन के समय प्रस्तुत करते हैं, वोटर लिस्ट में जो था उन्होंने वोटर लिस्ट के आधार पर अपना दिया। भाजपा का तो कहना है कि सिर्फ यही बात नहीं कि उम्र बढ़ गया घट गया, ये नहीं, कभी हेमंत सोरेन बन जाते हैं, कभी हेमंत कुमार बन जाते हैं, कभी शिव। अरे वोटर लिस्ट में जो रहेगा वही ना लिख करके वो अपना चुनाव लड़ेंगे, वोटर लिस्ट में जो नाम रहेगा उसी को दे करके चुनाव लड़ेंगे, अपने से थोड़े कुछ जो नाम लिखेंगे वो होगा, वोटर लिस्ट में जो होगा वही मान्य होता है।